महाराजा हरि सिंह जी अमर है, अमर है। 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 महाराजा महाराजा हरि सिंह जी अमर है, अमर है। 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 महाराजा हरि सिंह जी अमर है, जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने 26 अक्टूबर को जो विलय दिवस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन किया था हमारा हरि सिंह जी ने, आज उनके विलय दिवस पे हम एक बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। आज हम इस उपलक्ष्य में आदरणीय मोदी साहब जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपना सिक्का पूरी दुनिया में आजमाया है, हम उनको नमन करते हैं। और उन्होंने उनको ये याद आई कि हमारे 70 साल में जो डोगरा समाज और रायपुर समाज के साथ जो भेदभाव हो रहा था, आज 74 साल के बाद सिर्फ हमें आज छुट्टी मिली है, आज हमें आजादी मिली है। मैं ये माध्यम से कह रहा हूँ कि आज हम आजाद हैं, आज हम एक तिरंगे के नीचे एक खुली सांस में अपने सांस ले सकते हैं। तो मैं मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जहां हमारे महाराज हरि सिंह जी को जो 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे उन्होंने विलय किया था, वो बहुत ही सराहनीय काम है। बहुत सारे हम सारे उनका कोटि कोटि नमन करते हैं कि महाराज हरि सिंह जी के विलय दिवस पर उन्होंने छुट्टी की। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं मोदी साहब जी को, कि अगर उन्होंने 26 अक्टूबर को छुट्टी अनाउंस की है, उनके जन्मदिन पर भी छुट्टी हो जाए तो पूरा समाज उनका ऋणी रहेगा। तो मैं एक ही माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जरूर बोलूंगा, मैं हर मंच पे ये बोलता हूं, महाराज हरि सिंह इतने दूरंदेशी थे, कभी भी उन्होंने जात पात या धर्म की नीति कभी नहीं अपनाई। वो कहते थे कि मेरे जो दो नैन है, एक नैन हिंदू है, एक नैन मुस्लिम है, तो हम दोनों नैन को, दोनों धर्मों को बिल्कुल बराबर अधिकार देंगे, कोई ऊंच नीच की कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी धर्मों का हम बराबर सम्मान करेंगे। दूसरा, जो दलित भाइयों को, जो अन्य पिछड़े वर्गों को जो उन्होंने मंदिर पे चढ़ाया और उनकी उनके कन्या को पूजन किया, महारानी और महाराजा हरि सिंह जी ने खुद उनके पैर धो के उनको मंदिरों में चढ़ाया, तो आज भी वो कोई भेदभाव नहीं है। ना हम कोई जाति पाति पे विश्वास करते हैं, ना हम कोई धर्म, हमारा धर्म हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। ऐसा ही सभी लोगों ने बोलना चाहिए। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं और अपने आदरणीय मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो हमारे जो किले हैं, वो हमारे मंदिर हैं, जो हमारा इतिहास डोगरा डायनेस्टी है उसका जरूर ध्यान देंगे, उसको भी रेनोवेट करेंगे और सुनहरी अक्षरों पे वो लेके आएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा हरि सिंह जी अमर है, अमर है। महाराजा हरि सिंह जी अमर है, अमर है। आज अपने साथियों के साथ यहाँ यूमे इलहाक सेशन डे मनाने के लिए यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। यूमे इलहाक सेशन डे, इसे विजय दिवस भी कहते हैं, ये आज के दिन ही मुनाकद किया गया था। अगरचे जब 1947 में मुल्क तकसीम हुआ तो उस दौरान महाराजा साहब ने ये कुछ सोच के रखा कि शायद वो अपनी स्टेट को एक अलग मुल्क की सूरत में बचा सकें, पर हालात बदलते देखें, जब हालात बदल रहे थे तो उन्होंने अपना इलाहाक, स्टेट का इलाहाक जो है हिंदुस्तान की तरफ दिया। अगरचे उस वक्त कुछ सियासी नेताओं का जो कह लीजिए सिलसिला कुछ देर कुछ लड़ता रहा और इलाहाक को कुछ दिन लेट हो गए, जिस वजह से हमारे इस रियासत का जो बहुत सा हिस्सा, मैं कहूँगा कि निसफ से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना को चला गया। अगरचे ये इलाहाक कुछ दिन पहले हो गया होता जैसे महाराज साहब चाह रहे थे, तो वो सारा इलाका भी हमारे स्टेट में ही होता, वो तमाम जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया कहते हैं या चाइना के ग्रुप में वो एरिया है, वो तमाम का तमाम हिंदुस्तान का हिस्सा होता, हमारे रियासत का हिस्सा होता और बहुत अच्छा लगता। आज वो सवाल न उठते जो आज उठ रहे हैं।
वो कुछ गलतियां कोताहियां कुछ नेताओं की हैं, जिसका जिसको जिसकी सजा आज हम सभी भुगत रहे हैं। वो बलि मिश्रा मुझे याद आ रहा है कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो कुछ लम्हों की गलतियां कोताहियां हुई हैं जिसकी सजा यहां तक हम भुगत रहे हैं। बहरहाल फिर भी इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का एक सही मौका दिया। आज हम सही सभी उसी सिलसिले में जहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि महाराज साहब जहाँ भी हों वो अमर हों और उनके रूह को हमेशा सुख। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। सेना वाइस प्रेसिडेंट कठुआ अज सारे इकट्ठे हुए हैं। महाराजा हरि सिंह जी जरा इंस्ट्रूमेंट सैशन जरा पास होया और इंस्ट्रूमेंट सैशन अस मनाया, बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया। सारे डोगरा समाज ने, सारे राजपूत समाज ने, सारे जिन्ने सारे भाई बंधु आए सारे उन्होंने मनाया, बड़ी खुशी कन्नै मनाया। और असल चीज की बड़ी खुशी है कि जो इंस्ट्रूमेंट सैशन अब मतलब कि इस बार इन्होंने गवर्नमेंट छुट्टी अनाउंस की है और अस अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अस उनका बड़ा शुक्र अद करने कि उन्होंने छुट्टी सैशन पास करिए सू अपने राजपूत समाज की डोगरा समाज की बड़ी एक बड़ा अच्छा मैसेज दिता है। और दूसरी रिक्वेस्ट अस ये करने अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अगे कि जी जी महाराजा हरि सिंह की जी जन्मदिन से छुट्टी भी घोषित की जाए और इन्ना ही अगर जो महाराज जी का हरि सिंह का जो मान सम्मान है और जिन्ना उन्ना ही स्टेट से बना रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज 26 अक्टूबर बिली दिवस का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं और मैं सबसे ज्यादा पहले शुक्रिया अदा करनी सेना का करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया। आज का जो इतिहास है आप जानते होंगे, इसे तो हम हर साल मनाते हैं 26 अक्टूबर को, लेकिन इसके बारे में आपने पिछला इतिहास देखा होगा कि 74 सालों से एक डिमांड की जा रही थी कि दिल्ली दिवस पर छुट्टी क्यों नहीं है। आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इसकी छुट्टी के पीछे भी इसका राज था कि कुछ दो परिवार जो जम्मू कश्मीर पे 70 सालों से राज करते आ रहे थे, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे, ये वो परिवार थे जिन्होंने अपने सुख के लिए अपनी सुविधाओं के हिसाब से जम्मू कश्मीर में काम किया और एक समाज को जम्मू के साथ भेदभाव जो किया वो आज तक भी चलता आ रहा था। लेकिन आज मैं बड़े खुशी से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने इस पे संज्ञान लिया जो एक 370 की आड़ में जे भ्रष्टाचार दिन से दिन बढ़ता जा रहा था जम्मू कश्मीर में और आम लोगों का जीना मुश्किल था और कठुआ का विकास जो जम्मू कश्मीर का था वो रुका। इस चीज को प्रधानमंत्री जी ने समझा और 370 को खत्म करके 21 जो हमारी बहनों का अधिकार था कि जम्मू कश्मीर के बाहर इनकी शादी होती उनका खत्म हो जाता, लेकिन आज उन सभी को वो अपने हक मिल रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो सोचा है उससे कहीं ज्यादा उसकी डेवलपमेंट हो रही है और मैं बहुत ही ज्यादा हलवाज से कहना चाहता हूँ कि ये विलय दिवस आज जो छुट्टी घोषित हुई है इसके लिए सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और एक बार पुनः अपने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस चीज पे संज्ञान लिया और हमारे डोगरा लोगों की भावनाओं को समझा उस चीज पे छुट्टी घोषित की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने मीडिया का भाइयों को भी करता हूँ जिन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से भी उठाया और मैं एक बार पुनः अपने सारे कठुआ वासियों और जम्मू कश्मीर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।